उस समय में नहीं जानता था राज जी के बारे में, पूरी तरह नहीं जानता था, इतने ही जानता था कि हक हिस्सा लेना चाहिए भाई, इज्जत सम्मान से रहना चाहिए, जातिवाद नहीं होना चाहिए, बराबरी का दर्जा सबको होना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे मैंने ये जाना कि राजा में तो सारी ताकत होती है। पूरे पुराने जमाने में लोग कहते थे राजा भगवान का रूप होता है, लेकिन मैं ये आपको बताता हूँ कि आज का राजा भी भगवान का रूप होता है। जैसे आप उसे वोट देकर के राज सिंहासन पे बैठाते हैं, सारी शक्तियां उसमें राजा की आ जाती है, कोई फिर उसकी बात को काट नहीं सकता है। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बताऊं, योगी जी गोरखनाथ मंदिर के महंत है ना, है गोरखनाथ मंदिर के महंत हैं। अगर जब वो महंत थे और वो दरोगा जी से नाराज हो जाते और कहते तथास्तु दरोगा जी सस्पेंड हो जाए तो होते है, वो नाराज हो जाते डीएम साहब से, कहते तथास्तु डीएम का ट्रांसफर हो जाए, हो जाता। वो कहते तथास्तु सड़क बन जाए तो बन जाती। और आज जब वो मुख्यमंत्री हैं, आज कहे तथास्तु दरोगा सस्पेंड हो जाए तो हो जाएगा कि नहीं है, कहां पावर है, कहां ताकत है सरकार में जिसको आप वोट देकर के बनाते हैं। जब मैंने आपको ये बात कही कि पुराने जमाने में लोग कहते थे राजा भगवान का रूप होता है, तो मैं ये आज भी बता रहा हूँ आपको कि आज भी राजा भगवान का रूप होता है। आज गाजीपुर में हमारा कार्यक्रम था जन अधिकार पार्टी के तत्वाधान में, पिछड़ा दलित भाईचारा बनाओ सम्मेलन। नाम से ही जाहिर है हमारी चाहत है कि इस देश के जो पिछड़े लोग हैं, दलित लोग हैं या धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, जिनकी आबादी 100 में से लगभग 80-85% के करीब है, अगर उनमें से हम लोग 60% तक भाईचारा बना लें और अपना आदमी जिता करके हम लखनऊ की विधानसभा में भेजें जहां से हमारा हित सुरक्षित रह सकता है, यही अपील करने के लिए आज मैं गाजीपुर में आया था। और मैंने अपनी बात कही और आप लोगों ने सुना भी, और मुझे पूरा भरोसा है कि जो बातें हम लोगों ने भाईचारा बनाने की कही हैं वो लोगों के समझ में आई हैं, और जब 3 महीने बाद चुनाव होगा तो हमें उसमें कामयाबी मिलेगी और हम लोग जीतेंगे। 2022 में जन अधिकार पार्टी क्या रहेगा मुद्दा और कितने विधानसभा पे चुनाव लड़ने की तैयारी? देखिए, हमारा जो मुद्दा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, हर क्षेत्र में जिसकी जितनी आबादी है उसको हर क्षेत्र में उतना हिस्सा मिले, एक समान शिक्षा पद्धति हो, चाहे वो गरीब का बेटा हो चाहे अमीर का बेटा हो, अच्छे स्कूल में पढ़े या छोटे स्कूल में पढ़े, एसी में पढ़े या बिना पंखे के पढ़े, लेकिन पाठ्यक्रम एक हो, अनिवार्य शिक्षा हो, फ्री शिक्षा हो, किसान को खाद भी सस्ती हो, उसकी फसल की कीमत सही हो, सिंचाई के लिए बिजली उसे फ्री हो, और जो जहाँ पर समस्याएं हैं, किसानों ने कर्जा लिया है नहीं दे पा रहे हैं, पैदावार नहीं हुई है, तो ऐसी जगहों को जान करके ऐसे किसानों को चिन्हित करके उनका कर्जा माफ़ हो, बच्चों को रोज़गार मिले, ऐसा हमारी चुनाव लड़ने के मुद्दे।